रायपुर के संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 भाजपा पार्षद भोलाराम साहू ने शहर की समस्या, जल भराव, साफ सफाई, सड़क में गड्ढे और बढ़ते अपराध, कांग्रेस सरकार की कार्यशैली के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। भोलाराम साहू संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 के पार्षद। आज के धरना हरे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और सुपुत्र द्वारा सनातन धर्म का मलेरिया डेंगू के बराबर आकलन करे के, मतलब सनातन धर्म अपना नीचे स्तर में बात करके उत्तर द्वारा सनातन धर्म का अपमान करेंगे, तेकर विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी माध्यम से धरना प्रदर्शन करेगा। आज तो धरना प्रदर्शन में रायपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता का जमा हमारे सम्मानी जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के आज धरना प्रदर्शन करे जाते हैं, जमा सनातन धर्म के जौन अपमान करे थे आज पुतला जला के और विरोध प्रदर्शन करे जाते, सनातनी के अपमान करते ओकर पर कड़ा से कड़ा सजा के मांग करें। ऐसे रायपुर शहर में जो पाइपलाइन के कार्य करेंगे हम संपूर्ण रूप से वाला ठेका तो दे गया हमें कि आप पाइप भी डालो और बाद में तुरते वाला बना दो, मगर अभी कांग्रेस के महापौर जो सत्ता में बैठे हवा और जो संचालन है वो सही रूप से नहीं है, तेकर माध्यम से जहाँ भी गड्ढा खोदेंगे आज पूरा रायपुर गड्ढापुर के नाम से जाने जाते हैं और कोनो भी रास्ता में आप जाओ तो गड्ढा ही हुई, तेकर से आज रायपुर हाँ पूरा रायपुर ना होके गड्ढापुर हो गया हवा। सर बार नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल पूर्ण जोर से सामान्य सभा में विरोध करेंगे इससे और बैठे महापौर ला अवगत कराए गए इसके पूरा रायपुर गड्ढापुर हो गया हवा, अलग जल्द से जल्द सुधारे जाए जगह से आवागमन सुगम हो सके, कोनो प्रकार के भी बाधा आते हर रोड में चले जाओ, कोई भी रोड में चले जाओ छोटे मोटे गाड़ी तो ऐसे एक्सीडेंट बार बार होते, तेकर बार हमन पूरा जोर लगा के सामान्य सभा में बात ला उठा रहे, तेकर बाद भी महापौर अभी तक के जागे नहीं। देखिए यहाँ शासन के कोई दबाव नहीं है, पुलिस महकमा में भी मालूम है फोन में का नशा बेचार है, सब प्रकार से सब जिनिस मालूम है ओकर बाद भी ओकर पर कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई नहीं करते, देखकर ही ये परिणाम आते हैं कि हर गली और सड़क में एक न एक प्रकरण आपराधिक प्रकरण जो है हर मोहल्ला में कोई ना कोई रूप में हमारे सामने उजागर होते जाते। अगर शासन एवं दबाव डाल देवे और ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती कर देवे तो नशाखोरी जो गली गली में होते ऊपर पर बेल लगाए, मगर ऐसे कोनो प्रकार नहीं होते क्योंकि ऐसे लगते कि शासन एक तो पूर्ण रूप से कमाई के साधन देखा थे जेकर से नशाखोरी बढ़ गया हवा और अपराध बढ़ गया। ठीक है दिन के घटना हवे ताज़ा का घटना जेमा हमार दो बहन के साथ में इतना आपराधिक जघन्य घिनौनी हरकत हुए हवे जिला पूरा शहर में थू थू करे जाते हवे, जबकि अगर ऐसे शासन कड़ा रहती तो वो घटना कभी नहीं घटती। अब ऐसे है कि हम नशा से दूर रहन क्योंकि शासन जो मांग शासन अपन डाले घोषणा पत्र में घोषणा करेंगे इसकी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर देबो, मगर अभी तक तो नहीं करे। अगर आम जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शराब ला स्वयं छोड़े के प्रयास करो क्योंकि शासन एमा अपन ध्यान ला हटा दे क्योंकि वो अब तो पूर्ण रूप से ओमा अपन कमाई के साधन देख डाले हवे जेकर से हर घर परिवार टूटत जात हवे, ओला भी शासन ला भी अवगत है ये बात से कि नशा से ही पूरा आपराधिक घटना घटते जाते, मगर वो नशा बंद करे के विचार में नहीं तो आम जनता अपन होके छोड़े के प्रयास करे।